तो शुरुआत करते हैं हमारे अगले वीडियो की, और आज हम देखेंगे फिर से करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो 30 अप्रैल को मतलब जो इसका आंसर है वो है 30 अप्रैल, ठीक है। ये है इसका मेन आंसर कि कब मनाया जाता है। तो अभी 30 अप्रैल 2020 को ये थर्ड था, ठीक है। 2018 में इसका लॉन्च किया गया था, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि तो आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस योजना का शुभारंभ किया था। तो पहला जो किया था उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इसका शुभारंभ किया था। और इस योजना के अंतर्गत ये कि आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, और आयुष्मान कार्ड के अंदर उस परिवार का मतलब जो व्यक्ति होगा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जब उसे कोई बड़ी मतलब बीमारी होती है तो उसे मेडिकल सहायता के रूप में 5 लाख रुपए तक की मदद की जाती है, ठीक है। अगला है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना कहाँ शुरू की गई है, किस लिए शुरू की गई है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो अमृत योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है, क्या है मतलब कारण? तो कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में सरकार की ओर से त्रिकुट चूर्ण बांटा जाएगा, जिसमें सौंठ, पीपली और काली मिर्च मिलाकर ये चूर्ण बनाया गया है, ठीक है। तो एक चूर्ण इस योजना के अंतर्गत एक चूर्ण बांटा जाएगा, जिसमें सौंठ, पीपली और काली मिर्च का चूर्ण रखा गया है। और ये मतलब काफ़ी फायदा करेगा लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या देवीना योजना की शुरुआत की, ठीक है। जगन्ना विद्या देवीना योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो जो आंध्र प्रदेश सरकार है, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री बाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 28 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इस तरह से एक स्कॉलरशिप योजना है जो कि उन्होंने से आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं जो 12th के बाद कोर्स करने वाले हैं उनके लिए ये योजना इन्होंने बनाई हुई है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे इनकी श्रमिक दिवस मनाया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1 मई 1886 से मानी जाती है, लेकिन भारत में 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो विश्व में स्टार्टेड की गई थी 1 मई 1886, अमेरिका में शायद इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत में इसे शुरू किया गया था 1 मई 1923 को इसे शुरू किया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भारत में मनाया गया था 1 मई 1923 से। आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया है या किसके द्वारा शुरू किया गया है और क्यों किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, मतलब जो आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के नए ही आयुष मंत्रालय मतलब आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। मतलब इसका जो मुख्य लक्ष्य आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब है आयु रक्षा कार्यक्रम, ठीक है। आयु रक्षा कार्यक्रम क्या है ये हम मतलब जान लेते हैं, इसलिए सिर्फ आयु रक्षा कार्यक्रम यहाँ पे मैंने लिखा है। तो आयु रक्षा कार्यक्रम है नई दिल्ली में प्रदेश के पुरुष कर्मियों के लिए आयु रक्षा नाम से एक स्वायत्त कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। याद रखिए दिल्ली सरकार मतलब नई दिल्ली के लिए आयु रक्षा आया है, जो कि पुलिस कर्मियों के लिए, प्रदेश के जो पुलिस कर्मियों के लिए है उसके लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसका मतलब आप कह सकते हैं लोगो या रखा गया है एक लाइन में, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ठीक है। ये इनका एक लोगो कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो आयु रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ये रखा गया है आयु रक्षा कार्यक्रम, ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए ही। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव किसे बनाया गया है? मतलब अभी हाल ही में ही सेवानिवृत्त हुए हैं कोई और अभी नया किसे बनाया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव बनाया गया है आपकी अजय तिर्की को, ठीक है, अजय तिर्की को बनाया गया है।
और अजय तिर्की कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के मध्य प्रदेश के कैडर अधिकारी हैं अजय तिर्की, और इन्होंने जगह ली है रविंद्र पवार की। मतलब अभी रविंद्र पवार थे पहले, अभी इसके सचिव, लेकिन रविंद्र पवार रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जगह अब किसे बनाया गया है? अजय तिर्की को बनाया गया है, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में अजय तिर्की ने पदभार संभाला है। अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी थीम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट रहती है कि जो डे बनाए जाते हैं तो खासकर उनकी थीम भी इम्पोर्टेंट रहती है। एवरी ईयर उनकी जो थीम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो दिस ईयर 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनाया कब जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 इज़ जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। 2020 की थीम रखी गई है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं इसे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय है भय या पक्षपात। मतलब थीम जो मैंने बताई है कि विदाउट फियर और फीवर, यानी कि भय या पक्षपात के बिना पत्रकारिता, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में यूनेस्को जो महासम्मेलन होता है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, ठीक है। अब यूनेस्को की बात आई तो यूनेस्को है क्या, ठीक है, यूनेस्को है क्या, तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी उनकी हेड कौन है। तो उनके अभी हेड हैं ऑड्रे एजोले, ठीक है, ये इनकी हेड हैं। और इसका मीनिंग क्या है यूनेस्को का? तो यूनेस्को का मीनिंग है आपका, यूनेस्को इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज़ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो जो यूनेस्को है उसका हेड क्वार्टर पेरिस जो फ्रांस में है वहाँ पे है, ठीक है। और एवरी ईयर 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस डे, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये हो गए हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।